आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण, थोड़ी ही देर में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी शामिल होंगे, अखिलेश यादव शामिल होंगे, वेणुगोपाल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ममता बनर्जी और स्टालिन को भी निमंत्रण दिया है, तो एकजुटता दिखाने की भी कोशिश इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए। आज से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार, इससे पहले राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था, और शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। और जहां शपथ ग्रहण आज होने वाला है अब से कुछ देर बाद, ठीक उस जगह से, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आशिक मीर की ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के एसकेआईसीसी के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। और ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर कि किस तरह यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। 50 ऐसे VVVIPs हैं जिनको न्योता मिला है इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के किसी भी विधायक को जो है मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया गया, ये खबर आ रही है। जिस हिसाब से कांग्रेस की तरफ से डिमांड रही है कि उनको 3 मंत्रालय चाहिए थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इस चीज से साफ इनकार किया। यानी अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस जो है बाहर से ही इस सरकार को सपोर्ट करेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कल अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा ये भी अटकलें लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो भी इस शपथ समारोह में जो है शामिल रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस में दरारें देखने को मिल रही है, इससे ये लग रहा है कि शायद राहुल गांधी जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। फिलहाल बाहर की ये तस्वीरें SKICC की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक एक करके VVIP पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जो है उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे और उनके साथ जो है 4 और ऐसे मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए MLA जो है वो शपथ लेंगे। फिलहाल श्रीनगर के SKICC में इस समय हलचल है क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट्स की जहाँ तक बात आती है तो तमाम तर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सिक्योरिटी से लेकर चाक चौबंद जो है यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और तमाम तर SSG कमांडोज को जो है यहाँ पर तैनात रखा गया है ताकि खुशगवार माहौल में आज के दिन की शुरुआत हो। क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर शामिल रहे, क्योंकि अगर हम आज से पहले इलेक्शंस की बात करें तो आज से पहले इस तरह के माहौल में जो है इलेक्शन नहीं होते थे। यानी इंसिडेंट फ्री ये इलेक्शंस हुए जिसमें कोई ऐसी घटना नहीं घटी। फिलहाल आज जिस दिन का इंतज़ार जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स को था, आज जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार जो है उसका गठन होने वाला है और इस चुनी हुई सरकार के लिए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए और जो है उमर अब्दुल्ला उठाने वाले हैं जो कि अब से कुछ देर बाद यहां पर आएंगे। और उमर अब्दुल्ला की तरफ से सुबह सुबह ये बयान आया कि सबसे पहले वो स्टेटहुड बहाल करने के लिए जो है रेजोल्यूशन दाखिल करेंगे। यानी स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए, जिसका वादा उन्होंने तमाम तक जितनी भी वो कैंपेनिंग करते रहे इन इलेक्शंस में, तो उनका यही दावा था कि स्टेटहुड को रेस्टोर करना है, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला अब जो है शपथ भी लेने वाले हैं। और 3 बजे उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग भी रखी है तमाम तर चीफ सेक्रेटरीज के साथ, और इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाएगा ये पता चलेगा। फिलहाल श्रीनगर के SKICC में किस तरह की हलचल है आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी कि किस तरह यहाँ पर माहौल बना हुआ है। VVIPs यहाँ पर आने वाले हैं और अगर हम बात करें ओवरऑल 50 ऐसे VVIPs को दावत मिली है जो इस शपथ समारोह में शामिल रहेंगे। श्रीनगर SKICC से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज।
कश्मीर कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है अब से कुछ देर पहले खत्म हुई और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेकेपीसीसी के चीफ तारिक हमीद करा साहब। तारिक साहब, क्या कुछ डिसाइड किया गया, विधायक दल की मीटिंग खत्म हुई, क्या कुछ कहा गया? हमारी दो जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, एक तो सीएलपी लीडर के वास्ते हमने अपनी सेंट्रल लीडरशिप को जो है वो ऑथराइज किया है कि वो हमारा सीएलपी लीडर कौन चाहते हैं उसके वास्ते एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा जो हमें हमारे अलायंस पार्टनर्स एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट का जो लेटर ऑफ सपोर्ट है उसका वो डॉक्यूमेंट तैयार किया और थोड़ी देर में मैं जाके उनको वो लेटर ऑफ सपोर्ट हैंडओवर कर दूंगा। कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार मिलेगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये तो प्रोसेस में है, इट इज़ इन द प्रोसेस, देर इज अ प्रोसीजर विच हैज़ टू बी फॉलोड। ये तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठे उधर चले गए, ये प्रोसेस और प्रोसीजर के थ्रू जब कंप्लीट वो सारा प्रोसेस होगा तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू बी इन बीइंग। हरियाणा और जम्मू में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो ठीक नहीं रहा, जिस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है बार बार सवाल भी उठा रहे और विपक्ष भी, क्या कैन बी इंट्रोस्पेक्टेड, उसका अभी टाइम है, वी विल इंट्रोस्पेक्टेड। थैंक यू, शुक्रिया। बात कर रहे थे तारिक हमीद करा जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है स्टेट के, और अभी अभी विधायक दल की मीटिंग जो है यहाँ पर खत्म हुई। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशमी। जम्मू कश्मीर में आज सरकार बनने जा रही है, उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, मगर उसी बीच जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ तनाव जो है वो दिखता सामने आ रहा है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक अब कांग्रेस जो है सिर्फ बाहर से समर्थन करने की बात कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख बशीर साहब हैं, पूर्व MLC हैं और वरिष्ठ नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बशीर साहब, अचानक से क्या अब बीच में चल गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सरकार बनाए और कांग्रेस अब अलायंस से बाहर से समर्थन करेगी? देखिए, पहली चीज़ है कि तनाव वाली कोई बात नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि तनाव है, तनाव की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में हमेशा ऐसी सिचुएशंस आती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने प्री इलेक्शन अलायंस किया हुआ है और उसमें अब चूँकि कांग्रेस के अंदर आपस में उन्होंने शायद कोई कुछ बातें होती हैं जो शायद तय नहीं पाई हैं, तो अगरचे उन्होंने कहा है कि अलायंस को हम सपोर्ट करेंगे बाहर से, तो वो उनका फैसला है। लेकिन कल फारूक साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि इस बात के बावजूद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी है, उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सब जो मैंडेट है, चाहे वो BJP है चाहे दूसरे साथी हैं, उन सबको साथ लेके चलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो बड़ा सेंसिटिव है, इसमें हर एक आदमी को ऑन बोर्ड लेना है। मगर बशीर साहब, जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस 3 जो है मंत्रालय मंत्री पद मांग रही थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये देने को तैयार नहीं है, इसी चीज़ को लेकर खींचतान? मुझे लगता है ऐसा नहीं है, नेशनल लेवल की पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, इस तरह की कोई बात नहीं है जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है। मैं ये समझता हूँ कि आपस में उनको शायद फैसला नहीं हो पा रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अब चूँकि उन्होंने फैसला जब लिया है कि बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो अभी तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें तय हो जाएंगी, तो शुरुआत में ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि एक घर में जब 2 हिस्सेदार होते हैं या 3 होते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो चलती हैं, इसमें कोई तनाव की बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रिपेयर है पूरी तरीके से अगर कांग्रेस समर्थन ना भी दे तब भी? मौजूदा हालात में हम, जिस तरह लीडर ने कहा है कि हम हर एक आदमी को साथ ले चलेंगे और नेशनल लेवल की पार्टी है, उनके साथ एक बाज़ाब्ता प्री इलेक्शन अलायंस है, तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह की बात होगी। लेकिन चूँकि इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, पहले भी होती आई हैं और आज भी अगर हुई है तो कोई नई बात नहीं। लगता है पैसिफाई हो जाएंगी चीज़? ऑफकोर्स, आई होप पैसिफाई हो जाएगा। शुक्रिया। ये थे शेख बशीर साहब, जिन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का जो है वो अलायंस शुरू से है और पीपल अलायंस के बावजूद अगर इस तरह का चीज़ें हो रही हैं तो आने आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सभी को साथ लेकर चलेंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस जो है वो 3 मंत्री पद मांग रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 10% कुल सीटों के जो मंत्री बने हैं, यानी कि 9 से 10 मंत्री बने हैं, उनमें इतनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को, जिसको सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई, उनको इतने मंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है। मंडी डिग्रा के साथ